नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़ चैनल। आपका न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनका नाम है जगदीश गायकवाड़ साहब। जगदीश गायकवाड़ साहब, आपका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। गायकवाड़ सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर आए दिन आंदोलन हो रहा है, चेन्नई आंदोलन हुआ, तो जिस तरह से मतलब अभी जबकि बनने में काफ़ी टाइम है, इसके बावजूद नाम को लेकर इतना जोर शोर क्यों चल रहा है अभी से? इसकी बात ऐसी है कि सारा मीडिया देख चुका है, सारा महाराष्ट्र और इंडिया देख चुका है कि यहाँ के मसीहा दिवा पाटिल साहब थे और ये दिवा पाटिल साहब यहाँ के लैंड अफेक्टेड थे और यहाँ से इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से जुड़े हुए हैं, हर कास्ट से जुड़े हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को जो सपना था वो पूरा करने का मकसद ये उठाने वाले हमारे दिवा पाटिल साहब थे। अदर बैकवर्ड क्लास के ये दिवा पाटिल साहब था, लेकिन बैकवर्ड क्लास को SC ST NT OBC माइनॉरिटी को साथ में लेके चलने वाले दिवा पाटिल साहब थे। हालांकि दिवा पाटिल साहब का इतिहास बहुत बड़ा है और ये इतिहास में जब देखा तो पार्लियामेंट मेंबर थे, यहाँ के सांसद थे, यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महसूल एक्ट जो है, जमीन का लैंड का जो एक्ट है, वो एक्ट को 4 आवर्स ये सूची लेकर हाउस में 4 आवर्स में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कि किसान की जमीन है वो जमीन अगर गवर्नमेंट लेगी तो उनको बेनिफिट जमीन से मुनाफा मिलना चाहिए, ये पहला आर्टिकल पास करने का काम दिवा पाटिल साहब ने इंडिया के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में करने वाले दिवा पाटिल साहब थे। तो ऐसा नेता होना गौर गरीब जनता के लिए बहुत उचित है और लोगों ने सोचा है, लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है, किसी एक की मांग नहीं है कि यहाँ नाम दे दो, या लाखों लोगों की मांग है। आपने देखा होगा कि साखली चैन जो हमने किया था, मानवी साखली चैन, उसमें लगभग इंक्लूडिंग किया तो 30 से 40 हज़ार लोग जुड़े थे, लेकिन जब हमने ये घेरावा किया सिडको का तो उसमें अबाउट 2 लाख लोग आ गए, मतलब 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े। तो लोगों की मांग है, या के लैंड अफेक्टेड है, PAP है और या के अग्री कोली, मतलब SC ST NT OBC लोगों की ये मांग है और ये मांग जो है ये सही मांग है कि हमारी खेती है, हमारे बाबा ने हल चलाया है, हमारे दादाजी ने यहाँ पर हल चलाया, तो हमारा अधिकार है कि हमारे जगह में हमारा नाम दे दो। तो ये मांग को लेके हमारे यहाँ से सभी पार्टी और सारा समाज जुटा है। इसका मतलब ये है, हमारे एक सांसद रामशेठ ठाकुर साहब और आज के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले साहब, एक्स मिनिस्टर जगन्नाथ पाटिल, यहाँ के MLA प्रशांत दादा ठाकुर है, यहाँ के MLA हमारे महेश भाई बाल्दी है, यहाँ के MLA हमारे राजू दादा पाटिल मनसे से है, यहाँ के MLA हमारे न्यू बॉम्बे से भी हमारे संजीव नाइक और नाइक फैमिली पूरी और हमारी मंदाताई मात्रे यहाँ की MLA है, मतलब जितने लोग जुड़े हैं सुभाष भोईर से लेके जितने, मतलब शिवसेना वाला, मनसे वाले, RPI वाले, भाजपा वाले, शेखा के कई लोग जुड़े हैं, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, मतलब सारे लोग इसमें जुड़े, पार्टी छोड़ के जुड़े हैं कि एक इंसान था, ये इंसान भगवान के रूप में जैसा एक इंसान होता है करोड़ों में एक, जैसा इंडिया के अंदर बाबा साहब के बाद को होएगा, तो बाबा साहब के बाद हमारे समाज के लिए दिवा पाटिल जैसा नेता ये इस समाज में हमको मिला है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि बाबा यहाँ पर हमको जो काम कर, देखो आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और आज अच्छा दिन में हम दोनों मिले हैं, तो इस प्रकार आपका जो न्यूज चैनल है, आपका न्यूज, तो ये न्यूज आपका न्यूज मतलब सबका न्यूज है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के आज जयंती के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये नाम ही होएगा और 100% डेफिनेटली ये नाम देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। ये उत्तर भारतीय लोग इसमें आ रहे, यहाँ के छोटे पंजाबी लोग यहाँ के आए, मुस्लिम लोग आ रहे हैं, इस आंदोलन में केवल आगरी नहीं तो इंडिया के अंदर जितने कास्ट है उतने कास्ट के लोग जुड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब ने सोचना चाहिए और ये नाम दिवा पाटिल का देना चाहिए, यही हमारी मांग है। गायकवाड़ साहब, आपने अभी गणेश नाइक साहब का भी नाम लिया, लेकिन आंदोलन के दौरान दो दो आंदोलन हुए, चैन साखली आंदोलन हुआ या फिर
जो आप लोगों ने आंदोलन किया 24 तारीख को, उसमें दोनों ही आंदोलनों में गणेश नाइक साहब कहीं नजर नहीं आए, क्यों? अभी मैं बताता, गणेश नाइक साहब भी एक हमारा स्ट्रांग लीडर है। विशेषतः रूप में गणेश नाइक जी मंत्री हो चुके हैं, यहाँ के MLA थे, मतलब गणेश नाइक साहब के लड़के संजू नाइक, संदीप नाइक, सागर नाइक, तीन पुत्र उनके आंदोलन में थे। नाइक साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन नाइक साहब ने मीडिया के ऊपर आके बोला कि दीपा पाटिल साहब का ही नाम देना चाहिए। ये आदमी बीमार है तब भी मीडिया को बोल रहा है दीपा पाटिल का नाम देना चाहिए। तो गणेश नाइक भी हमारा सबसे बरकरार नेता है और बहुत ही अच्छा लीडर, ये न्यू बॉम्बे के अंदर एक टॉप 10 का लीडर गणेश नाइक साहब है। शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे साहब का नाम दिया जाना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, शिवसेना कुछ भी सोचेंगी, सोचना उनकी पार्टी, उनका काम है, लेकिन वो लोग यहाँ पे झुक के देखना चाहिए, यहाँ पे मोड़ के देखना चाहिए, इधर के लोगों की डिमांड क्या है, मांग क्या, और वो मांग के हिसाब से उन्होंने डिमांड रखना चाहिए। वो बोले थे हम 24 तारीख को आएंगे, आना चाहिए था, उनको पता चलता था लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन शिवसेना का इधर कुछ भी नहीं है, शिवसेना का इधर कुछ काम नहीं है, शिवसेना का इधर नाम भी नहीं रहेगा, क्योंकि काम नहीं है शिवसेना का, तो नाम नहीं। हाँ, लीडर है उनके, बाकायदा 2-4 सीनियर लीडर है उनका, अच्छा काम था। अभी के जो लीडर है वो सब दलाल आ गए हैं शिवसेना में, जो पहले के लीडर थे, बुजुर्ग लीडर थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं नाम भी चाहे तो ले सकता हूँ, हमारे भवन पाटिल साहब थे, तभी उसने कारपोरेटर चुन के लाए थे। अभी का जो प्रेसिडेंट है शिवसेना का, वो कुछ काम का नहीं है, वो ऐसे ही फालतू आदमी है, तो उसका कुछ फायदा नहीं। जो था शिवसेना थी, इधर बाला साहब की शिवसेना थी, लेकिन अभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यहाँ बची नहीं है। बाला साहब ठाकरे का नाम इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या इसका आपका विरोध है? देखो, विरोध बाला साहब ठाकरे के नाम को नहीं है, बाला साहब ठाकरे का नाम महाराष्ट्र के अंदर अभी 19 जगह पर दिया है, ये जगह हमारी है। आपको पता है क्या कि दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रवास था, उसको भी नाम उसने दिया, उनको दिया है, वो गलत किया है शिवसेना वालों ने, गलत किया। बाला साहब ठाकरे गलत रास्ते पे नहीं चलते थे, यदि बाला साहब ठाकरे होते तो दीपा पाटिल का नाम पहले देते थे। आपको, आपके लिए बताता हूँ कि बाला साहब ठाकरे को मिलने के लिए हर लोग बाला साहब ठाकरे के घर पे आते थे, इतना बड़ा लीडर बाला साहब ठाकरे है और थे, उस जमाने में भी थे, आज भी उनके विचारों में है। लेकिन बाला साहब ठाकरे दीपा पाटिल के जैसे ही विलेज में आके उनको मिले, तो दीपा पाटिल का भी कुछ तो रिलेशन बाला साहब से मिला जुला था, ऐसे बाला साहब नहीं आते थे। बल्कि हमको कहना यह है कि बाला साहब यदि आज होते तो यहाँ पर एयरपोर्ट का ये मुद्दा ही नहीं आता, बाला साहब सीधा बोल देते कि मेरे दीपा का नाम दे दो। लेकिन आज के जो लोग हैं, ये मैंने बोला ये दलाल लोग हैं, ये दलाल लोगों का जो चला है ये उचित नहीं है। हम आज भी बाला साहब को या ठाकरे को नमन करते हैं कि बाला साहब जैसे नेता महाराष्ट्र के अंदर दूसरा कोई होएगा नहीं, लेकिन दीपा जैसा नेता तो होना ही नहीं है और होएगा भी नहीं। मतलब हम बोलते हैं कि दीपा हमारे पास है, विचारों में है, आज हम लोग जो जीते हैं, यहाँ के गांव वाले जो जीते हैं, जो मर्सिडीज गाड़ी जिनके पास है, फॉर्च्यूनर गाड़ी जिनके पास है, जिनके पास गहना है, RCC का घर है, वो दीपा पाटिल की वजह से, उनकी बदौलत से है, नहीं तो नहीं होता था। गायकवाड़ साहब, आपसे मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार है और बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए, क्या लगता है मुख्यमंत्री आपको किस तरह का सहयोग करेंगे? मुख्यमंत्री साहब ने उनके पिताजी का नाम प्रपोज किया है और आम जनता ने यहाँ पर दीपा पाटिल साहब का नाम प्रपोज किया है, लेकिन दीपा पाटिल साहब के साथ में जो लोकल पीपल्स है, जो लोकल पॉलिटिकल है, जो लोकल बेस है, पूरा फार्मर से लेके पूरा दीपा पाटिल के साथ जुड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब जो है उद्धव जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि उद्धव जी आप ये जो सब्जेक्ट, ये मुद्दे को छोड़ के आप इसको, बाला साहब का नाम तो आप बहुत जगह दिया है, बाला साहब का नाम महाराष्ट्र में और जगह दे सकते हैं, इधर जो नाम देना है वो दीपा पाटिल का देना चाहिए, क्योंकि दीपा पाटिल का और बाला साहब का जो रिलेशन था उसको तोड़ो मत। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के आगरी जो लोग हैं उन्होंने शिवसेना का झंडा लिया तब इस कोकण में शिवसेना बढ़ी है, उसके बाद कोकण के बाद जाके मराठा लोगों ने झंडा लिया, जब आगरी लोग यहाँ के इतने डेंजरस है और विचारधारा भी उनकी अच्छी है, तो उन्होंने पहला अपना शिवसेना का झंडा उठाया है, इसीलिए यहाँ पर शिवसेना जुटी है। शिवसेना आगरी का रिलेशन जो है तोड़ो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दीपा का नाम ही देना चाहिए, और दीपा का नाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो एयरपोर्ट यहाँ बनने देगा, ये हमारी मांग है, हम एयरपोर्ट ही होने नहीं देंगे अगर दीपा का नाम नहीं देंगे तो। आप लोग चाहते हैं
लोक नेता दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए, शिवसेना वाले चाहते हैं बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाना चाहिए, लेकिन नवी मुंबई में शायद कॉरपोरेशन का इलेक्शन कुछ समय बाद आने वाला है, लगता है कहीं दोनों ही पार्टी के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब नहीं कर रहे, ऐसा लगता है आपको? न्यू बॉम्बे कॉरपोरेशन नथिंग अबाउट दैट, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं हमारे इसमें इस मुद्दे से, ना कोई भी कॉरपोरेशन, पनवेल हो, न्यू बॉम्बे हो, मुंबई हो, ये कॉरपोरेशन क्या आज आई कल आ जाएगी, कॉरपोरेशन हमारे लिए कुछ उचित नहीं है। और ये मुद्दे को लेकर तो कॉरपोरेशन को मेरा जैसा सर्वसामान्य कार्यकर्ता कहेगा, आई एम नॉट लीडर, आई एम नॉट बिग लीडर, बट सर्वसामान्य कार्यकर्ता मेरा ऐसा कहेगा कि ऐसे कॉरपोरेशन आए ना आए, नाम तो दीबा पाटिल का ही आएगा, कुछ कॉरपोरेशन से लेना देना हमको है नहीं, कॉरपोरेशन तो आएंगी, जिन जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो 24 आवर्स लोगों में रहता है, उनकी कॉरपोरेशन आएगी, वो तो आती है, जो काम करता है वही चुन के आता है, जो काम करता है वो विधायक चुन के आता है, जो काम करता है वो कॉर्पोरेटर चुन के आता है, तो वो लोग चुन के देंगे, उनसे यह मुद्दे से लेके कुछ भी रिलेशन नहीं है, नॉट रिलेटेड दैट क्वेश्चन। दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, लेकिन इसके बाद जब वो एयरपोर्ट बन जाएगा उस पर क्या यहाँ के भूमि पुत्रों को काम मिलेगा, इसके लिए किसी तरह की आपकी कोई तैयारी है? देखो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट है, मेरी फर्स्ट डिमांड है कि लैंड अफेक्टेड पर्सन जिनकी एक एयरपोर्ट एक्वायरेशन लैंड हुआ है तो उनको पहला काम मिलेगा, उसके बाद उसके आजू बाजू के गाँव वाले को मिलेगा, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है आर्टिकल से लोकल पीपल को कितना लेना है और इंडिया के अंदर के पीपल को कितना लेना है, तो इंडिया के अंदर के पीपल जो है 20% वो तो उनको भी हम यहाँ पे प्राधान्य देंगे, उनको भी लेना चाहिए, लेकिन बट फर्स्ट जो है वो मेरे लैंड अफेक्टेड है, पनवेल तालुका से जुड़ा है, उरन से जुड़ा है, न्यू बॉम्बे से जुड़े है, उसके बाद रायगढ़ से, फिर थाना से, फिर थाना ग्रामीण से, फिर महाराष्ट्र से, फिर आउट ऑफ, लेकिन उनको आउट ऑफ वालों को भी लेना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सूची रखी गई है कि भारत के लोग भारत में किधर भी आके रह सकते हैं, किधर भी अपना गुजारा कर सकते हैं, किधर भी नौकरी कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसीलिए लिखा है और उसके सिद्धांत पर हम चलने वाले हैं। गायकवाड़ साहब आपने सभी अच्छे जवाब दिए, इसके साथ ही चलते चलते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे नेता और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन लोगों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं गाली दूं क्या उनको? उनको आएंगे क्या ज्योतिष है क्या? वो उनको कैसा पता चलता है तीसरी लहर आने वाली है? ये तीसरी लहर है, ये कमर्शियल लहर है, ताकि लोगों को लूट ना, द लूट, इट्स अ रियल फैक्ट, द लूट चल रही है, इसमें ऐसी चल रही है कि हॉस्पिटल का आज बिल, आप भी पत्रकार है, आप जा चिट्ठी मुंगी नहीं जाता, पत्रकार जाता है, आप भी देखो एक हॉस्पिटल में जाओ 8-8 लाख रुपए आज झुके झोपड़ी में रहने वाला गरीब लोग कहाँ से बिल देगा, 8 लाख रुपए बिल आता है ये कोरोना का, और सरकारी रुग्णालय में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका बिल आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये जो बड़े हॉस्पिटल है इन्होंने जो लूट किया है हमारे लोगों की, द लूट, ये डॉक्टर लोग है ये तो मरने वाले है, जितने कमाया ना आज आए एक डॉक्टर करोड़ों का मालक बन गया, इन डॉक्टर के पीछे ईडी की इंक्वायरी लगाओ, मैं बोलता हूँ अभी जो जो डॉक्टर के पास कोरोना का हॉस्पिटल है उनको कैसा परमिशन दिया कॉरपोरेशन ने, किस पहलू पे, कितना बेड चाहिए था, कितना स्टाफ चाहिए, कितना इसमें रिक्वायरमेंट है, कितना यहाँ पर वैक्सीनेशन है, क्यों दिया इनको परमिशन, देना नहीं चाहिए था, ये सब सब के सब ये बोगस है, और ये बोगस लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, आप भी डिमांड करो, मेरी भी डिमांड है, मेरी तो ये मांग है कि इनको अरेस्ट करो, सब से डब डॉक्टर ने जो जो लोग चीटिंग किया उनको अरेस्ट करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। ये थे जगदीश गायकवाड़ से जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। मैं संजय मेहरोलिया, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत जाधव के साथ, पनवेल, नवी मुंबई।